मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का मदीना के काबा में दिख गए साक्षात महादेव। काबा के पत्थर में महादेव को देखकर उड़ गई इस्लाम मौलानाओं की नींद। क्या है महादेव के संकेत? मक्का में मौजूद मुसलमानों का पवित्र तीर्थ मौलवियों की नहीं बल्कि हिंदू धर्म की जागीर है। या महादेव खुद ये बता रहे हैं कि काबा का वो काला पत्थर और जमजम का पानी महादेव और गंगा माता का प्रतीक है। क्या है इस दावे की पूरी सच्चाई, जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिए। दरअसल हिंदू धर्म के गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि जिस तरह काशी महादेव की नगरी है, उसी तरह हमें मक्केश्वर महादेव की पूजा करने का अधिकार भी मिलना चाहिए, क्योंकि मक्का में मौजूद काला पत्थर खंडित शिवलिंग ही है जो कि मक्केश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। इस्लाम के ठेकेदार हिंदू धर्म के अनुयायियों को उनकी पूजा करने से रोक रहे हैं और दावा ये है कि खुद महादेव ने उन्हें सपने में दर्शन देकर ये कहा है कि काबा के काले पत्थर में उनका शिवलिंग छुपा है और ज्ञान व्यापी के बाद अब उन्हें मक्केश्वर महादेव का अधिकार मिलना चाहिए। जब भी सबसे प्राचीन धर्म की बात आती है तो एक तरफ जहां हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना जाता है तो वहीं मजहबी धर्म के ठेकेदार आदम को दुनिया का सबसे पहला इंसान बताते हैं और इस्लाम को सबसे प्राचीन धर्म बताते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि इस्लाम की उत्पत्ति केवल 1400 साल पहले हुई है, जबकि पूर्ण रूप से इस्लामिक देशों में भी 4000 और 5000 साल पुराने हिंदू धर्म के प्राचीन अवशेष मिले हैं। आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में, जो कि काबा में स्थित है, वहाँ पर मुसलमान लोग एक काले रंग के पत्थर के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। फर्क इतना है कि हिंदू धर्म के अनुयायी मंदिरों में क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं जबकि मुसलमान एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, लेकिन परिक्रमा लगाने की विधि तो सनातन धर्म की ही देन है। कहा यह जाता है कि काबा में जो विशाल काले रंग के पत्थर हैं, उसके नीचे महादेव का शिवलिंग खंडित अवस्था में मौजूद है। हालांकि इसके चारों तरफ चांदी की परत चढ़ा दी गई है, जैसे कि शिवलिंग के चारों तरफ जलाधारी होती है, ठीक उसी तरीके से मुसलमान लोग इसी हज के दौरान काले पत्थर की पूजा करते हैं, उसे चूमते हैं। हालांकि तमिल में लिखे राम अवतार चरित में भी मक्केश्वर लिंग का जिक्र किया गया है, जहां पर रावण महादेव के लिंग को लेकर चलता है, लेकिन लघुशंका आने के कारण वह उसे रास्ते में ही उतार देता है और वही शिवलिंग मक्केश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। और ये स्थान अरब का काबा ही है। काबा से जुड़ी हुई एक और हिंदू संस्कृति की परंपरा भी मौजूद है, जो कि पवित्र गंगा को दर्शाती है। और कहा यह जाता है कि जहां महादेव होंगे वहां पर माता गंगा भी होंगी। तभी तो काबा के पास एक पवित्र झरना है जिसे मुस्लिम श्रद्धालु हज के दौरान जमजम का पानी कहते हैं और इस पानी को पवित्र मानकर अपने घर भी ले जाते हैं, जैसे हम गंगा जल लाते हैं। लेकिन मुसलमान लोगों का कहना है कि जमजम कोई झरना नहीं है बल्कि 4000 साल पुराना 18 मीटर गहरा कुआं है। और शायद ये वही तो नहीं जो हमारे हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की प्रकट की गई बाणगंगा थी, कहीं उसे ही मुसलमान जमजम का पानी बताते हों। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों सऊदी अरब के मक्का में मौजूद काबा में हिंदू देश के लोगों का जाना वर्जित है और क्यों कोई भी हिंदू काबा में नहीं जा सकता? आखिर मुसलमान लोग ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने धर्म को लेकर ही डर बना हुआ है? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।